शांति। आज 3 मार्च 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे मैं तुम्हें श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी दुनिया का मालिक बनाता हूं। परंतु जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं तो द्वापर युग के बाद आप पौधों पर विकारों की मैल चढ़ती है और उस कारण से श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी बन जाते हो और सारी दुनिया ही भ्रष्टाचारी हो जाती है। बाबा कहे, फिर मैं आकर के पुनः श्रेष्ठ मत देता और यही कहता हूं, बच्चे तुम शंख ध्वनि करो, सबको ये बात सुनाओ कि रहना गृहस्थ व्यवहार में है परंतु कमल पुष्प के समान रहना है। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम 8 घंटा गवर्नमेंट सर्विस में देते हो, 8 घंटा मुझे भी दो याद और सेवा के लिए। सबको ये संदेश जरूर देना है। तब बाबा कहे, पुनः श्रेष्ठाचारी दुनिया आएगी। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? उत्तर, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो, 8 घंटा भल उस गवर्नमेंट की सर्विस करो, दुनिया की जॉब करो, सर्विस करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो व स्वदर्शन चक्र फिराओ, साथ साथ शंख ध्वनि करो, सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे पहले बहुत ही सत्युग के सुख भोगते थे, बहुत मस्त थे, खुशियां ही खुशियां थी, सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, सब सत्युग में बहुत मजे में थे, खुशी में थे, कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। सत्युग में देवी देवता श्रेष्ठाचारी थे, जिन्हों की कितनी महिमा गाई जाती है। महिमा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबकी होती है, फिर माया आकर चटकती है, द्वापर से माया आकर चटकती है। यह भी ड्रामा बना बनाया है, जिसको अच्छी रीति समझना है, बाप के सिवाय कोई समझा भी ना सके। ये ड्रामा का ज्ञान बाबा के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप ही भारत में और विश्व को सदा सुखी शांतमय बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं। ये किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। कि किसने ये सब खेल रचाया, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। तो बाबा कहे, किसकी महिमा है? परम पिता परमात्मा की। भारत में जब स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य हुआ। सतयुग के देवताओं के लिए गाया जाता है, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। देवताओं की ये महिमा है, वहां तो कभी भ्रष्टाचार हो नहीं सकता, वहां तो श्रेष्ठाचारी थे।
पौधे जो स्वच्छ थे उन पर 5 विकारों की मैल चढ़ने से भ्रष्टाचार होते होते अब पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। राजा रानी तथा प्रजा जो श्रेष्ठाचारी थे वह सब अभी भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। मनुष्य गाते भी है, क्या गाते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही रहम करो, ओ गॉड फादर, रहम मांगते हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हमको ऐसा बनाओ, हमको दैवी बनाओ। ड्रामा को तो जानते नहीं कि वह फिर ऐसा कब बनेंगे। तो तुम श्रेष्ठाचारी थे, भ्रष्टाचार का नाम नहीं था। इस समय सभी मनुष्य भ्रष्ट बन पड़े हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं? इतने भ्रष्टाचारी हो गए तो बाबा कहे भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बन सकते हैं? ये कोई नहीं जानते। यह है ही पतित दुनिया, भ्रष्टाचार होना ही है। पतित दुनिया में ही भ्रष्टाचार होना ही है। अब बाप कहते हैं जो कुछ समझो वह फिर औरों को समझाओ। बाप की महिमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। निराकार भगवान को आना जरूर पड़ता है। शिव जयंती मनाते हैं, कैसे आते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो। शिव है पतित पावन, उनको आना ही तब है जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है। उसको आकर पावन बनाना है, शिव बाबा को ही आकर के इस सृष्टि को पावन बनाना है। 2-4 को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे, फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित है। अभी तो राजा रानी है नहीं। जानते हैं राजे लोग थे, सतयुग से लेकर राजाएं चलती आई तो राजे लोग थे। अब उनकी राजाई है नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो शाहूकार लोग जमींदार आदि धन देते थे। कोई ने 20,000-30,000 दिया तो टाइटल मिल जाता था। बाबा अनुभवी है, साकार बाबा अनुभवी है ना। शिव बाबा ने भी अनुभवी रथ लिया है। ऐसा वैसा रथ थोड़ी लेगा। बड़े बड़े राजाएं होते हैं तो वह घोड़े बहुत फर्स्ट क्लास रखते हैं। जानवरों में भी कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ऊंट कोई बहुत अच्छे होते हैं, बैठो तो जैसे एरोप्लेन चलता है। कोई तो ऐसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं। तो बरोबर ये भारत 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग था, यह तो मशहूर है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले स्वर्ग था, हेवन ऑन अर्थ। तो बरोबर कल्प 5,000 वर्ष का हो गया। खुद ही कल्प की आयु बतलाते हैं, फिर सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है, परंतु समझाते नहीं। रिपोर्ट भी बाबा दे देते हैं कि धारण करके दूसरों को समझानी है परंतु समझाते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम श्रेष्ठाचारी थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा श्रेष्ठ थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, वहां कंस जरासंघी हिरण्यकश्यप आदि कुछ भी नहीं थे। शास्त्रों में क्या लिखा दिया कि सतयुग में भी कंस जरासंघी हिरण्यकश्यप आदि थे, और एक तरफ कहते वहां जानवर भी ऐसे थे जो इकट्ठे शेर और बकरी जल पीते थे। हिरण्यकश्यप आदि को सतयुग में, और श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए, रावण को त्रेता में ले जाते हैं,
सब असुरों के अलग अलग नाम दे देते हैं। कुंभकर्ण आदि भी सब असुरों के नाम है। अभी है आसुरी संप्रदाय, अर्थात आसुरी मत पर चलने वाले। अभी बाप आकर के श्रीमत देते हैं, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं। सत्युग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं, वहां कोई धर्म की स्थापना होती नहीं। सत्युग त्रेता की स्थापना तो संगम युग पर होती है। दोनों युग की एज तो एक जैसी 1250 वर्ष है। सत्युग में दैवी राज्य, त्रेता में क्षत्रिय राज्य, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी किसने स्थापन की? बाबा कह पूछो किसने स्थापन की? क्या ऐसे कहेंगे कि चंद्रवंशी राजधानी राम ने स्थापन की, सूर्यवंशी राजधानी लक्ष्मी नारायण ने स्थापन की? नहीं, दोनों ही स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है। स्वर्ग का रचयिता है बाप। सत्युग त्रेता की राजाई रची है, गाया भी जाता है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म रचा। बाप कहते हैं, यह जो तुमको ज्ञान सुनाता हूं वह फिर प्रायलोप हो जाएगा। बाप कहते हैं, यह जो तुम्हें ज्ञान सुनाता हूं यह फिर प्रायलोप हो जाएगा। इस्लामी बौद्धी आदि जो धर्म स्थापन करके गए हैं, उनका नाम रूप देश काल आदि तो नहीं भूलेंगे। उनको तो सब जानते हैं ना, कब आए। यह देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूं यह ज्ञान सब भूल जाएंगे। इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन धर्म की बातें नहीं भूलेंगे, न उनके स्थापक के विषय में कोई बात भूलेंगे। लेकिन बाबा कहे, ये देवता धर्म मैं कैसे स्थापन करता हूं ये ज्ञान सब भूल जाएंगे। द्वापर में फिर कितने धर्म स्थापन हो जाते हैं? एक ही इस्लामी बौद्धी धर्म में ये सैकड़ों हो गए हैं। आपस में कितना लड़ते हैं? अभी तुम जानते हो बाबा कैसे सब कुछ करके अपने आप को छिपा लेता है। स्वर्ग में जो देवी देवताएं थे उनको फिर माया आकर चटकी। स्वर्ग के देवताओं को फिर द्वापर युग में माया आकर चटकी, पूरे बेगुण बन गए हैं। गाते भी है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। तब तो गुणवान देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदिर रहते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदिर न हो। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तभी 100 देवी देवता बनेंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है तभी 100 देवी देवता बनेंगे। परंतु रिपोर्ट भी बाबा दे देते, परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं। बाबा कहते हैं, कोई भी बात में कुछ मूंझो तो चिट्ठी लिख कर पूछो, बाबा से पूछ सकते हो। बाप को याद करो। माया ऐसी है जो स्वर्ग स्थापन करने वाले परमपिता परमात्मा को याद करने नहीं देती। माया ऐसी है जो परमात्मा को याद करने नहीं देती। बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिट्ठी लिख पूछना चाहिए। इस हालत में क्या करें? बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करें? कोई मरा है, क्या करें? मत लेनी चाहिए। श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर चलना है। श्री कृष्ण की मत तो हो ना सके,
श्री कृष्ण पतित दुनिया में कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राजयोग सीख रही है। सिर्फ श्री कृष्ण की आत्मा है क्या? जो भी देवी देवता घराने वाले हैं, वह ब्राह्मण बने हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करते रहो। तुम्हारे पापों का बोझा बहुत है। भल कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, 8 घंटे गवर्नमेंट की नौकरी है, बाकी जो समय है उसमें याद करो, कम से कम 8 घंटा तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, शंख ध्वनि करो। कौन सी शंख ध्वनि करनी है? सबको कहो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह करके बाप से वर्षा लो। बाप स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत ही स्वर्ग का मालिक बनता है, अभी तो नरक का मालिक है। नरक में दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं, परंतु जानते नहीं कि बाप क्या देगा। बाप के लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर बित्तर में है। बाप कहते हैं तुमने कितनी भूल की है, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। अब उनसे बाहर निकलो, यह भक्ति आदि करते करते तुम तंग हो गए हो, अभी भक्ति भी व्यभिचारी हो गई है, मौत आकर सामने खड़ा है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। परंतु बच्चे ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया रावण का राज्य कैसे चलता है यह भी कोई जानते नहीं। रावण का भूत जलाते हैं, यह पीछे रिवाज निकला है। रावण को जलाने का पीछे रिवाज निकला है। रावण को जलाते हैं, परंतु हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। आगे 10 फुट का बनाते थे, फिर 15 फुट का बनाया, फिर 50 फुट, एकदम छत जितना लंबा बनाते हैं। बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं। इतने बड़े मनुष्य तो होते नहीं। जास्ती में जास्ती मनुष्य 6 फुट होंगे, लक्ष्मी नारायण भी इतने ही होंगे। ऐसे नहीं, वहां आयु बड़ी होती है तो बड़े बन जाते हैं। कितने सिंपल सिंपल रीति से बाबा एक एक बात को क्लियर करते हैं। नहीं, मनुष्य मनुष्य ही है, जैसे अभी देखते हैं भिन्न भिन्न वैरायटी है, कोई काले कोई कैसे। भारत में सुंदर भी थे, अभी श्याम बने हैं। सुंदर बनाने वाला है बाबा, वह है हसीन मुसाफिर। वह तुमसे बात कर रहे हैं, उनको भूलना नहीं चाहिए। बाबा को भूलना नहीं चाहिए, इनको यानी साकार को भल भूल भी जाओ, हमेशा समझो बाबा हम सजनियों को खूबसूरत परिजादा बनाते हैं। कहते हैं ना, एक तालाब है जहां डुबकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की परी बन जाते हैं। अभी तो नरक की परी हो ना, बाबा कहे अभी तो नरक की परी हो ना। बल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आदि लगावे, फिर भी है तो नरक में ना। कोई से भी पूछो ये स्वर्ग है या नरक है, बाबा कहे कोई से भी पूछो ये स्वर्ग है व नरक है। कहते हैं शाहूकारों के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग नरक को भी जानते नहीं। मनुष्य स्वर्ग किसको कहा जाए, नरक किसको कहा जाए, यह भी जानते नहीं। तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए, श्रीमत को भी जानते नहीं। जिसने इतना श्रेष्ठ बनाया उनका नाम रूप गुम कर दिया है। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब माता किसको कहा जाता है यह तुम जानते हो जरूर। जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं उनको माता कहेंगे, अर्थात
ब्रह्मा बाबा को माता कहेंगे। यहाँ तुम समझते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं, तो बाप के भी नाम है, बाबा के भी अनेक नाम है, बीच में बाप दलाल जरूर चाहिए। ब्रह्मा बाबा प्रजापिता भी है, फिर बीच में बाबा कहे दलाल जरूर चाहिए। जो तुम पोत्रे पोत्रियां कहलाओ दादे से वर्षा लो, तो यह दलाल है, इनसे वर्षा नहीं मिल सकता, इनको भी वर्षा शिव बाबा से लेना है, शिव बाबा की मत पर चलना है। तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम इनको भी भूल जाओ, शिव बाबा से तुमको मत लेनी है, ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करो, शिव बाबा से ही वर्षा लेना है, तो शिव बाबा से ही तुमको मत लेनी है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं, भले बाबा कहते हैं ब्रह्मा को भी भूल जाओ, लेकिन आखिर ब्रह्मा माँ भी है, तो बाबा कहे माँ से भी हमारा कनेक्शन तो उतना ही है। स्वर्ग बनाने वाले बाप का यादगार गुम कर दिया है, नरक बनाने वालों के यादगार रख दिए हैं। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार होता जाता है, कोई को अगर क्रोध आता है तो समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, हमारे में ये भूत है, फिर हम श्रेष्ठाचारी कैसे कहला सकते। तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से, बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत जरूर लेनी है। दूसरी पॉइंट श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है, कोई भी भ्रष्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। समस्याओं रूपी पहाड़ को उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो, तो समस्या रूपी पहाड़ को सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो, जैसे स्थूल नेत्र द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा प्रालब्ध स्पष्ट दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। आज का स्लोगन है जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं, जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन YouTube, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।